अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10.6, लेक्चर नंबर 9. ओपन योर बुक. अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इन टू वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्स. हमारे पास जो वुडन बार है ना, वो रिपल टैंक में 12 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है वाटर सरफेस के ऊपर. द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर. तो रिजल्टिंग वेव की वेव लेंथ कितनी है? हमारे पास 3 सेंटीमीटर है. तो वॉट इज़ द स्पीड ऑफ वेव? तो हमने ना स्पीड ऑफ वेव फाइंड आउट करनी है. तो गिवन डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है कि 12 हर्ट्स. उसके बाद हमारे पास वेव लेंथ गिवन है, यानी हमारे पास लैम्डा गिवन है. लैम्डा हमारे पास कितना है? 3 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम किस से डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करके हम मीटर में ले आएंगे. तो ये है बेटा हमारे पास कि लैम्डा इज़ इक्वल टू 0.03 मीटर. तो नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करनी है? वी हमने फाइंड आउट करना है. तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है कि वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा. तो सॉल्यूशन में हम जस्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे कि वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा. तो एफ़ की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 12 हर्ट्स. और लैम्डा की वैल्यू जो हमने अभी मीटर में लेके आए हैं, तो वो कितनी है हमारे पास? 0.03. तो हमारे पास वी आ जाएगी 0.36 मीटर पर सेकेंड. मतलब कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ वेव आ गई है, स्पीड ऑफ वेव हमारे पास कितनी आई है? 0.36 मीटर पर सेकेंड. तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास है कि 10.7 न्यूमेरिकल है कि अ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्स. कि एक ट्रांसफर वेव स्प्रिंग में जो ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 190 हर्ट्स है. वो ट्रैवल कर रही है एंड ट्रैवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर. तो स्प्रिंग की लेंथ कितनी है हमारे पास? 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड. कि 0.5 सेकेंड में उसकी लेंथ 0.5 सेकेंड में वो ट्रैवल कर रही है 190 हर्ट्ज से. ठीक है, तो बेटा हमने फाइंड आउट क्या करना है कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वेव, हमने पीरियड ऑफ वेव फाइंड करना है. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव फाइंड करनी है. और व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ वेव, मतलब कि इसमें हमने तीन चीज़ें जो है ना वो फाइंड आउट करनी है. तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी हुई है? 190 हर्ट्ज दी हुई है. तो उसके बाद है लेंथ ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि लेंथ ऑफ स्प्रिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोड्यूस्ड वेव. वो एस हमारे पास कितना है? 90 मीटर है. और टी हमारे पास टाइम कितना है? 0.5 सेकेंड है. तो हमने कौन सी चीज़ फाइंड करनी है कि व्हाट इज़ पीरियड ऑफ वेव, मतलब कि टी हमने फाइंड करना है. उसके बाद व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड फाइंड करनी है. और व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव, यानी हमने लैम्डा फाइंड आउट. हमारे पास क्या फार्मूला है कि टाइम पीरियड के लिए हमारे पास है कि टी इज इक्वल टू 1/f. स्पीड ऑफ वेव के लिए हमारे पास फार्मूला है कि वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा. उसके बाद ये है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है कि एस इज इक्वल टू वी टी. लास्ट जो है हमारे पास कि हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड में स्पीड ऑफ वेव और थर्ड में वेव लेंथ ऑफ दी वेव. तो वेव लेंथ ऑफ वेव हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा. यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे और वी ओवर एफ, ये हमारे पास वेव लेंथ ऑफ वेव आ जाएगी. तो अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ वेव के एस इज इक्वल टू वी टी, वी इधर आ गया एस ओवर टी. तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि टाइम पीरियड के लिए टी इज इक्वल टू 1/f और 1/f हमारे पास कितना था? 190 हर्ट्ज. तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया टी इज इक्वल टू 0.0526 सेकेंड, हमारे पास टाइम पीरियड आ गया. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास के स्पीड क्या है कि v इज इक्वल टू एस ओवर टी. v इज इक्वल टू एस हमारे पास 90 मीटर था और t हमारे पास 0.5 सेकेंड था. तो ये हमारे पास स्पीड आ गई कि स्पीड इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड. तो इसी तरह नेक्स्ट लास्ट वन है हमारे पास के v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. हमने वेव लेंथ ऑफ वेव फाइंड आउट करनी है. तो वेव लेंथ ऑफ वेव फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. तो इधर से लैम्डा हम बाहर निकाल लेंगे, v ओवर f आ गया हमारे पास. तो हमारे पास 180 हमारे पास क्या आई है, v आया हमारे पास 180 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी? 190 हर्ट्स. तो ये हमारे पास लैम्डा आ गया. तो नेक्स्ट है बेटा आपके पास न्यूमेरिकल है 10.8 के आपके पास के वाटर वेव वेव इन अ शैलो डिस्क हैज़ आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग एट वन पॉइंट. कहते हैं कि जो शैलो डिस्क है वो हमारे पास कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग एट वन पॉइंट. द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ
4.8 ओसिलेशन पर सेकेंड। जो वाटर मूव कर रहा है उसकी ओसिलेशन, वो वाटर अप एंड डाउन मूव कर रहा है, तो वो कितनी ओसिलेशन से कर रहा है, 0.8 ओसिलेशन पर सेकेंड। हमें पता है जो पर सेकेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, हर्ट्स के इक्वल होता है। मतलब जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वो कितनी है, 4.8 गिवन है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव। हमने स्पीड ऑफ वाटर वेव फाइंड करनी है और पीरियड ऑफ वाटर वेव फाइंड करना है। तो ये देखिए बेटा, गिवन डाटा में हमारे तो गिवन डाटा में हमारे पास है कि लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06 मीटर। तो इसी तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4.8 ओसिलेशन पर सेकेंड या 4.8 हर्ट्स। तो फाइंड हमने क्या करना है, वी हमने फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ वाटर वेव, और उस तरह हमने टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ वेव फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है कि वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और टाइम का क्या है कि टी इज इक्वल टू 1/f। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, जस्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर ले आएंगे इनका, कि वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ कितना है हमारे पास 4.8 क्रॉस 0.06, और वी इज इक्वल टू 0.29 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गई स्पीड ऑफ वाटर वेव। तो इसी तरह टी इज इक्वल टू 1/f, तो टी इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4.8 हर्ट्स। तो इसी तरह इधर वैल्यू पुट किए तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 0.21 सेकेंड। तो बेटा ये आपके पास डायरी है कि आपने इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, 10.6 टू 10.8, और इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं आपके बुक के चैप्टर के अंदर, तो वो आपने सॉल्व आउट करनी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह।